वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे जी। आज मैं आपके साथ शेयर करने के लिए आई हूँ अपने शूज़ का जो बाकी पार्ट मेरा रह गया था वो। देखें यहाँ से ये मैंने कंप्लीट कर लिया था, ये फ्लावर मैंने बनाया था इस तरीके से, और यहाँ पे कल मैंने आपको बताया था ये बनाना, ठीक है। एक पैटर्न इसका मैंने ये कलियों का बताया था आपको बनाना इतना, और नेक्स्ट टू मैंने कहा था आप उसी को देखते हुए दोबारा फॉलो करते हुए नेक्स्ट टू जो है वो पैटर्न तैयार कर लीजिए। तो ये देखें मेरे 3 पैटर्न तैयार हैं। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, इसी तरीके से इसको उल्टा करेंगे ऐसे, ठीक है, और यहाँ से हमें जो है स्टार्ट लेना दोबारा से, ठीक है। हमें ये चीज़ जो है वो दोबारा सारी जो है ये पैटर्न जो है सारा दोबारा जो है वो इस साइड पे तैयार करना है, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, देखिए कहाँ से स्टार्ट लेंगे। ये मैंने लास्ट जो थी रो कर ली, यहाँ पे देखें ये 1 येलो स्टिच के साथ, जैसे मैंने यहाँ पे लास्ट आपको रो बताई थी येलो स्टिच के बाद हमें इस तरीके से इसको कम्प्लीट किया था नेक्स्ट। तो यहाँ पर लास्ट देखें 1 येलो स्टिच था, बाकी सारे वाइट स्टिचेस के साथ मैंने इसको कम्प्लीट कर लिया है। देखें यहाँ पर ये वो आ रही है रो हमारी, ठीक है। नेक्स्ट रो जो है हमारी वो ये है, हमें यहाँ से स्टार्ट लेना है। सबसे आसान तरीका यही है कि आप देखें यहाँ से देखते हुए इसको स्टार्ट लें, यहाँ से वाइट स्टिचेस जो ज़्यादा वाले हैं वो इस तरफ आएंगे, यहाँ येलो कलर का आ जाएगा, और यहाँ लास्ट में इसके 3 हैं या 4 हैं स्टिचेस, 1 2 3 हैं, 3 स्टिचेस यहाँ पर आ जाएंगे वाइट, 1 2 3, और यहाँ पर येलो आ जाएगा। और देखें यहाँ पर जो मेरे वाइट स्टिचेस जो वो इस तरीके से आ गए हैं, और यहाँ पे 2 स्टिचेस जो हैं 22 स्टिचेस मैंने लिए थे, यहाँ पर 24 टोटल चाहिए थे, 22 मैंने ये लास्ट में जो स्किप किया था वो छोड़ दिए। मैं जैसे हम ये रो करेंगे बनाएंगे ये वाली, तो उसके साथ जो है इसको अटैच करेंगे 2 स्टिचेस को, तो हमारे 24 हो जाएंगे, ठीक है। अभी 22 पे मैंने इसको जो है वो ज्वाइन किया था 22 को, और 23 और 24 अभी इनके साथ ज्वाइन करना है इस रो में। अब देखिए पहले हमारी ये रो आएगी, फिर यहाँ से हम निकालेंगे इसको इस तरह से क्रोचेट हुक को, तो यहाँ पे हम ले आएंगे इसको कि हमारे पास हमने ये वाली रो बनानी है, फिर ये इस तरह करते करते एक एक करके ये सारी रोज आराम से कंप्लीट होते जाएंगे। यहाँ से आप निशान लगा के इसको कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको 2-4 रो बना के इसका पैटर्न जो थोड़ा सा बता दूँगी किस तरीके से इसको करना है आपने, ठीक है। तो उसी तरीके से आप इसको फॉलो करते हुए पूरा पैटर्न जो है इसी तरीके से यहाँ से देखते हुए इस तरफ बना सकते हैं, तो वो बड़े आराम से बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको, और ये मैं थोड़ा सा पैटर्न आपको बताऊंगी, बाकी आप इसको फॉलो करते हुए जो है वो सारा पैटर्न उस तरफ दूसरी तरफ तैयार कर लीजिएगा। देखिए फर्स्ट रो जो है इस पैटर्न की जो हमने स्टार्ट करना है उसकी फर्स्ट रो मैंने बनाई है, उसके लिए मुझे 20 स्टिचेस जो है वाइट के चाहिए थे, और यहाँ पे 1 स्टिच जो है हमें चाहिए येलो कलर में, ठीक है। इस तरीके से वो येलो कलर में आ जाएगा, और नेक्स्ट 3 स्टिचेस जो हैं अगेन हमें वाइट में चाहिए, ये देखें इस तरीके से वाइट कलर में आ जाएंगे। 1 ये 22 हो गए, ये 2 मैंने कहा था ज्वाइन करने हैं हमें यहाँ से, 1 और ये 2, ठीक है। 20 स्टिचेस पहले वाइट हैं, फिर 1 जो है वो येलो कलर का है, फिर 3 स्टिचेस जो हैं वाइट कलर का, और ये पूरी रो जो मेरी फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगी इस पैटर्न की। रो के लिए देखें 15 स्टिचेस मैंने वाइट कलर में लिए हैं, ठीक है। 16 स्टिच जो है हमारा यहाँ पर आ जाएगा ग्रीन कलर में, ठीक है। 2 स्टिचेस अगेन हम लेंगे वाइट में, 1 और ये 2, ठीक है। नेक्स्ट 3 स्टिचेस हमारे आ जाएंगे येलो कलर में, 1 2 और ये 3, और नेक्स्ट 3 स्टिचेस जो है हमारे आ जाएंगे अगेन वाइट में, तो ये हमारी जो है रो पूरी कंप्लीट हो जाएगी, 1 2 और ये 3, इस तरीके से। अच्छा नेक्स्ट रो के लिए देखें 2 4 6 8 10 12 14 16 स्टिचेस जो है मैंने लिए हैं वाइट के, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारे पास आ जाएगा 1 स्टिच जो है वो ग्रीन कलर में, और नेक्स्ट आ जाएंगे हमारे पास 1 2 और ये 3 कलर आ जाएंगे हमारे पास येलो के, और बाकी वाइट में आ जाएंगे 4 स्टिचेस 1 2 3 और ये 4, और ये हमारी रो कंप्लीट हो जाएगी इस तरीके से। नेक्स्ट रो के लिए हमने 3 स्टिचेस लिए हैं वाइट, 3 स्टिचेस हम लेंगे ग्रीन कलर में,
टू और ये थ्री, ठीक है। नेक्स्ट हम लेंगे दोबारा वाइट कलर में, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट और ये नाइन, नाइन स्टिचेस हमारे वाइट आ गए, ठीक है। नेक्स्ट हमें चाहिए थ्री स्टिचेस ग्रीन में, वन टू और ये थ्री। नेक्स्ट हमें चाहिए वन टू थ्री और ये फोर स्टिचेस येलो में, और लास्ट टू स्टिचेस जो हैं वो हमारे पास दोबारा वाइट में आ जाएंगे, वन और ये टू इस तरह। नेक्स्ट रो के लिए फोर स्टिचेस जो हैं मैंने वाइट के लिए हैं, ठीक है। थ्री स्टिचेस जो हैं मुझे लेने हैं ग्रीन के, वन टू और ये थ्री स्टिचेस हमारे ग्रीन में आ जाएंगे। नेक्स्ट सेवन स्टिचेस वाइट के आएंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और ये सेवन, इस तरीके से ये आ जाएंगे। थ्री स्टिचेस जो हैं हमारे पास ग्रीन के आ जाएंगे दोबारा से यहाँ पर, वन टू और ये थ्री। अच्छा नेक्स्ट देखें हमें चाहिए येलो स्टिचेस, वन टू थ्री फोर फाइव और ये सिक्स। लास्ट हमारा एक स्टिच रह गया, उसको हम ले लेंगे वाइट के साथ, और ये पूरी रो कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट रो के लिए देखें फाइव स्टिचेस मेरे आ गए वाइट कलर में, थ्री स्टिचेस आ जाएंगे ग्रीन में, वन टू और यहाँ पर थ्री, ये थ्री स्टिचेस ग्रीन के साथ आ गए। नेक्स्ट आ जाएंगे मेरे पास थ्री स्टिचेस वाइट के साथ, वन टू और ये थ्री, थ्री स्टिचेस अगेन ग्रीन के साथ आएंगे, वन टू और ये थ्री, ठीक है। नेक्स्ट वन स्टिच हमारा आ जाएगा वाइट के साथ इस तरीके से, और नेक्स्ट थ्री स्टिचेस अगेन आ जाएंगे ग्रीन के साथ, वन टू और ये थ्री, ठीक है। नेक्स्ट फोर स्टिचेस हमारे पास आ जाएंगे येलो के साथ, वन टू थ्री फोर। लास्ट टू स्टिचेस हमारे पास वाइट के, वन और ये लास्ट स्टिच हमारा टू। ये देखिए नेक्स्ट रो के लिए मैंने लिए हैं टू फोर सिक्स स्टिचेस जो हैं वाइट के, और नेक्स्ट टू स्टिचेस हमें चाहिए ग्रीन कलर में, वन और ये टू, ग्रीन कलर की आ जाएंगे हमारे पास टू स्टिचेस। नेक्स्ट जो हैं वो मेरे पास आ जाएंगे वन और ये टू वाइट के, वन जो स्टिच हमारे पास आ जाएगा ग्रीन कलर में अगेन इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट फाइव स्टिचेस जो हमारे पास वाइट में आ जाएंगे, वन टू थ्री फोर और ये फाइव, ठीक है। और थ्री स्टिचेस दोबारा ग्रीन में आ जाएंगे, वन टू और ये थ्री, इस
तरीके से आ जाएंगे टू स्टिचेस हमारे पास येलो में आ जाएंगे, वन और ये टू, और नेक्स्ट थ्री स्टिचेस जो हमारे पास वाइट में आ जाएंगे, वन टू और ये थ्री। अच्छा नेक्स्ट रो के लिए देखिए मेरे पास सिक्स स्टिचेस जो हैं वाइट की हैं, ठीक है। नेक्स्ट टू स्टिचेस हम ले लेंगे ग्रीन कलर में, वन टू ग्रीन के आ जाएंगे, वन स्टिच जो है वो वाइट का आएगा, यहाँ पर वन स्टिच वाइट आ जाएगा, अगेन वन स्टिच जो है हमारा आ जाएगा ग्रीन का, टू स्टिचेस जो हैं वो वाइट के आ जाएंगे, वन और ये टू, ठीक है। और यहाँ पर वन स्टिच जो है हमारा येलो आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएंगे हमारे वाइट स्टिचेस, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और ये सेवन, ठीक है। सेवन स्टिचेस वाइट आ गए। यहाँ पर नेक्स्ट वन स्टिच जो हमारे पास येलो का आ जाएगा ये, और नेक्स्ट थ्री स्टिचेस जो हैं अगेन वाइट की आ जाएंगे, और ये वाली रो भी हमारी इस तरीके से जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, वन टू और ये थ्री, ये देखिए। आप ये देख सकते हैं ये पैटर्न जो है ये कली का जो है ये मैंने ये देखें ये तैयार कर लिया इसके साथ, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें जो है वो ये वाली रो तैयार करनी है। यहाँ से आप इसी तरीके से यहाँ स्टिच मार्कर लगाएं, बेशक यहाँ पे क्रोशिए के साथ लगाएं, पेपर क्लिप लगाएं, सेफ्टी पिन लगाएं, कॉमन पिन लगाएं या स्टिच मार्कर लगा के आप किसी भी तरीके से इसको इस तरीके से ये रो जो आपने तैयार करनी है उस पर निशान लगाएं, स्टिच मार्कर लगाते हुए इस तरीके से लगा लें, और उसके बाद जब वो तैयार हो जाए फिर नेक्स्ट पे स्टिच मार्कर लगाएं, फिर नेक्स्ट इसी तरह करते करते ये पूरा पैटर्न आप इसी तरीके से तैयार कर लीजिए। और स्टार्ट में जो हमने ली थी वन रो ली थी ब्लैक सॉरी वाइट कलर में, सारी पूरी ब्लैक वाइट कलर में ये देखें ली हुई है फर्स्ट रो ली थी, इसी तरीके से यहाँ पे ये पैटर्न सारा तैयार करते हुए आप यहाँ पे लास्ट में जो है वो वन रो आपकी वाइट की आ जाएगी और ये कंप्लीट हो जाएगा। तो चले मैंने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है, ये देखें ये पैटर्न यहाँ तक मेरा कंप्लीट है। नेक्स्ट हमें ये रो तैयार करने, तो आप भी इसी तरीके से इसको यहाँ से देखते हुए पूरी रो जो है वो कंप्लीट करें और पूरा पैटर्न इसी तरीके से ये कंप्लीट करके तो इसको ख़त्म करें, फिर आगे मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ कि हमें क्या करना है। ये देखिए ये मैंने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। देखिए यहाँ से ये मैंने कंप्लीट किया था पहले आपके सामने, ठीक है, ये मैंने बनाया था। उसके बाद मैंने यहाँ से ये स्टार्ट लिया था, इसका वापस जाना था यहाँ से इस तरीके से, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ से पैटर्न इसका इतना बता दिया था, बाकी मैंने कहा था इधर से देख के आप सारा वो इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये सारा इसी तरीके से जैसे मैंने पहले ये वाली चीज़ बनाई थी उसी तरीके से उसी पैटर्न से मैंने ये भी तैयार कर लिया, ये टोटल मैंने पूरा तैयार कर लिया है। नेक्स्ट देखें ये शूज़ मैंने तैयार किया था इसका, देखें यहाँ से अब हमें चाहिए इसको यहाँ से स्टार्ट लेना है हमने, ये देखें ये जगह से, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट लेंगे और इस तरीके से हम ये सारा जो है इसको कंप्लीट करते जाएंगे। यहाँ से स्टार्ट लेकर इस तरह से आएगा, फिर इसको टर्न करके यहाँ तक ये सारा जो है हमें काम करना है 10 स्टिचेस के साथ, ठीक है। ये देखें ये शूज़ जो है मेरा इस तरीके से ये तैयार है, तो हमें 10 स्टिचेस के साथ जो इसको काम करना है, ठीक है। ये देखें इसको कंप्लीट मैंने कर लिया है, हम ये 10 स्टिचेस के साथ इसका ये बनाएंगे नीचे वाला सोल का जो हिस्सा बाकी रह गया हमारा, और ये बाउंड्री लाइन जो इसकी यानी है वो रह गई है मेरी, ठीक है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए अब इसमें हमें चाहिए यहाँ से इसका मिड चाहिए, हमें दरमियान चाहिए इसका, ये चीज़ें जो मैंने बनाई थी इनका मिड ये आ रहा है यहाँ से, ये देखें ये स्टार्ट हो रहा है ग्रीन और यहाँ से ये वाइट में, तो वाइट के साथ अगर जाएँ तो इसका ये मिड आ रहा है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ से हम फाइव स्टिचेस जो है इस तरफ आ जाएंगे, वन टू थ्री फोर और ये फाइव, ठीक है। ये हमारा सिक्स स्टिच कहलाएगा, सेवन एट नाइन और ये टेन, टेन स्टिचेस पे हमें काम करना है, ठीक है। सॉरी तो चले मैं आपको बताती हूँ कि ये काम हमें कैसे करना है, और वूल हम लेंगे वाइट कलर की क्योंकि येलो जो है हमने इसकी बाउंड्री लाइन करनी है, एजेस जो हैं उस पर, ठीक है, बाकी जो है वाइट कलर का हमारा वूल का काम है।
तो चलें यहाँ पे मैजिक नॉट लेंगे हम एक, और यहाँ से इस तरीके से निकाल के वन चेन ले लेंगे। ठीक है, वन चेन लेंगे यहाँ से, ये देखें ये स्टिच है हमारा, हमने यहाँ वन चेन ले ली। लेकर यहाँ से हम लेंगे इस तरीके से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन और ये टेन। ठीक है, ये टोटल 10 स्टिचेस मेरे इसमें आ गए। यहाँ से हम लेंगे इस तरीके से इनको टू टू स्टिचेस को वापस करेंगे जैसे पहले हम करते रहे हैं। सॉरी, यहाँ पे टू टू स्टिचेस के साथ वापसी नहीं होगी, हम यहाँ से दोबारा शुरू करते हैं। टू स्टिचेस मेरे पास आ गए, ठीक है, ये थ्री आ गए, थ्री, और यहाँ पे ये फोर फाइव और ये सिक्स, साथ साथ वूल भी मैं इसको जो है वो अटैच कर दूँगी उसके साथ, सेवन और यहाँ पर ये एट और यहाँ पर नाइन और ये टेन। ठीक है, टेन स्टिचेस आ गए। नेक्स्ट एक स्टिच जो हम यहाँ पे ऐड करेंगे इस तरीके से, वन स्टिच इधर से वन स्टिच इधर से ऐड करते हुए हमें ये सारा जो प्रोसीजर कंप्लीट करना है। यहाँ से वन स्टिच ऐड करेंगे और टू टू स्टिचेस जो हम क्रोचेट हुक से निकालते जाएंगे। जब हम इस साइड से स्टिच कोई ऐड करें, राइट साइड से या लेफ्ट साइड से, किसी भी साइड से स्टिच हम ऐड करें, तो पहले से हमारे क्रोचेट हुक में जो है 10 स्टिचेस पूरे होने चाहिए। ठीक है, अब देखें मुझे इस तरफ से, पहले मैंने इधर से अटैच किया, अब हम इधर से अटैच करेंगे। ये देखें, यहाँ से अटैच करने के लिए ये स्टिच हम ले चुके हैं, सेकंड स्टिच हमारा ये है। तो यहाँ पे बजाय इस तरह क्रोशिया करने के हम इसकी बैक साइड से क्रोचेट हुक को लेके आएंगे, यहाँ से इस तरह हुक लेके आएंगे और इस तरीके से देखें, इस तरीके से इसको वूल को यहाँ से लेंगे और यहाँ पर वन चेन ले लेंगे। ठीक है, ये हमारा आ गया। नेक्स्ट हमें 10 स्टिचेस चाहिए। देखें, फर्स्ट हमारा स्टिच, सबसे पहला स्टिच हमारा ये है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट और ये नाइन स्टिचेस हमने ले लिए। वन ऑलरेडी हमारे पास मौजूद होता है, तो टोटल हमारे ये 10 स्टिचेस पूरे हो गए। ठीक है, ये 10 स्टिचेस हमारे कंप्लीट हैं। नेक्स्ट यहाँ से हम एक स्टिच लेंगे, इसको यहाँ से इसी तरीके से लेंगे, इसका बैक से हम हुक नहीं लेंगे, निकालेंगे इसी तरीके से लेकर टू टू स्टिचेस जो हम क्रोचेट हुक से निकालते जाएंगे। वन टाइम जो है लेफ्ट साइड से लेंगे वन स्टिच, वन टाइम जो है वो राइट से लेंगे। ये देखें, अब हम इस तरफ से लेंगे, यहाँ से इसको वूल को छोड़ देंगे स्टिच को, और यहाँ से बैक से हुक निकाल के हम अपना और इसको इस तरीके से इसके साथ अटैच करेंगे ये। ठीक है, और यहाँ से ले लेंगे वन चेन और अगेन जो है यहाँ से, ये देखिए ये हमारा फर्स्ट स्टिच है, वन ऑलरेडी हमारे पास है, ये टू हो गए। ठीक है, यहाँ पर हमारा आ जाएगा थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट और ये नाइन और ये लास्ट स्टिच हमारा आ जाएगा टेन। और यहाँ से एक स्टिच लेकर इसको हम यहाँ से इसके साथ ऐड करेंगे और टू टू स्टिचेस जो है हम अपने हुक से निकालते जाएंगे। इसी तरीके से हमें ये जो है वो काम करना है, पूरा सोल जो है इसी तरीके से हमारा तैयार हो जाएगा। और ये तकरीबन 9 to 10 जो है नंबर शू का, उसके लिए बेस्ट है। और अगर आप 5 करेंगे, 5 स्टिचेस के साथ काम करेंगे, ये देखेंगे इस तरीके से आ जाएगा, यहाँ पर ये देखें इस तरीके से ये आ जाएगा। अगर आप 5 स्टिचेस के साथ काम करेंगे, मैंने 10 लिए, 5 के साथ करेंगे तो वो तकरीबन 7 से 8 नंबर जो शू का वो आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखें, अब नेक्स्ट यहाँ से अगेन हमें वूल यहाँ पे छोड़ना है और बैक से हम लेंगे, यहाँ से नेक्स्ट स्टिच में से बैक में से हुक निकाल के, तो ये वूल दोबारा हम पकड़ेंगे। इसको मैं ठहरें आपको बताती हूँ, ज़रा लूज़ कर दूँ ताकि आपको सही से समझ आए। ये देखें, ये यहाँ मैंने छोड़ दिया, यहाँ बैक से नेक्स्ट स्टिच जो है वो बैक से उठाएंगे,
क्रोचेट हुक जो है इसमें निकालेंगे इसमें से स्टिच में से, और यहाँ इस तरीके से वूल को पकड़ के इसको ज़रा टाइट करेंगे ये, और वन चेन ले लेंगे। नेक्स्ट देखिए ये हमारा फर्स्ट स्टिच आ गया, ये सेकंड आ गया, थ्री फोर फाइव और यहाँ पे सिक्स सेवन एट नाइन और लास्ट हमारा आ जाएगा ये टेन। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से ये टेन हमारे कंप्लीट हो गए। यहाँ से नेक्स्ट स्टिच लेंगे, ऐड करेंगे हम यहाँ पे, और इस तरीके से टू टू स्टिचेस जो हैं वो निकालते जाएंगे क्रोचेट हुक में से अपने। तो इसी तरह चलते हुए हमें जो है ये पूरा कंप्लीट करना, मैं अभी आपको दिखा देती हूँ किस तरीके से कहाँ तक हमें ये कंप्लीट करना है। टेन स्टिचेस के साथ ही हमें काम करना है ये पूरा, मैं अभी आपको बताती हूँ। ये देखिए ये इस तरीके से जो है वो हमारा शू आ जाएगा। ठीक है, अगेन हमें यहाँ से ये बैक से हम लेंगे इसको क्रोचेट हुक को, और इस तरीके से वूल जो है इसमें से निकाल लेंगे, और दोबारा जो है वन चेन, और यहाँ से हम स्टार्ट लेंगे अपने स्टिचेस का। टू आ गए, थ्री फोर और ये फाइव सिक्स सेवन एट नाइन और ये लास्ट स्टिच आ जाएगा टेन। टेन हमारे हुक में स्टिच आ गए। नेक्स्ट यहाँ से वन स्टिच जो हमने ऐड करना है, इस तरीके से टू टू स्टिचेस फिर निकालते जाएंगे। ठीक है, आपको समझ आ गया कि किस तरीके से ऐड करना है। लेफ्ट और राइट दोनों साइडों से वन वन स्टिच ऐड करते हुए हमें ये पूरा कंप्लीट करना है सोल जो है इसका। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, इसी तरीके से देखिए यहाँ से वन वन स्टिचेस लेते हुए हमें ये पूरा जो है इस तरीके से ये पूरा कंप्लीट करना है यहाँ तक। इसी तरीके से इधर से हमें पूरा कंप्लीट करना है यहाँ तक, इनको दोनों को अटैच करना है। ये देखें यहाँ से ये मैं बना रही हूँ, ये इसी तरीके से अटैच होता होता ये यहाँ पर इस तरीके से अटैच हो जाएगा, और यहाँ तक ये आ जाएगा अटैच होने के बाद। यहाँ जब यहाँ पर आ जाएगा तो यहाँ से ये देखें ये स्टिचेज हैं। ठीक है, और इधर से ये, इनको हम इसी तरीके से टेन टेन स्टिचेस के साथ ही वन इधर से ऐड करते हुए टोटल पूरा यहाँ से थोड़ा सा कर्व आएगा, लेकिन उसकी टेंशन नहीं। यहाँ से हमें एक स्टिच लेना और एक इधर से लेना इस कॉर्नर से, तो वो बारी बारी हम इसी तरीके से इनको भी ये अटैच करते जाएंगे, और यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ये देखें यहाँ से, जैसे ये मैं बता रही हूँ, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ पर आकर देखें यहाँ से मैंने अटैच किया, कोई चेंजिंग नहीं, कोई कुछ नहीं। जैसे हमने यहाँ से वन स्टिच लेफ्ट और राइट साइड से एक एक ऐड किया, इसी तरीके से वन वन स्टिच इधर से लेफ्ट राइट से ऐड करते हुए यहाँ तक पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा हमारा कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से ये देखिए इस तरीके से ये पूरा जब कंप्लीट हो जाएगा, तो नेक्स्ट मुझे आपको फिर मैं बताना है कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। नेक्स्ट यहाँ से फिर हमें इसकी बॉर्डर लाइन जो है वो करनी है। ठीक है, तो चलें पहले ये कंप्लीट करते हैं। यहाँ से मैंने स्टार्ट लिया इसका, ये यहाँ से इस तरह चलता हुआ ये सारा यहाँ पर आएगा पहले, फिर यहाँ से जो है वो इस तरफ आ जाएगा, यहाँ आकर ये कंप्लीट होगा। ठीक है, तो ये मैं कंप्लीट करती हूँ, तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, बेल आइकॉन दबाएं और साथ साथ कमेंट्स दें। ठीक है, तो जैसे ये कंप्लीट होता है तो नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ कि हमें क्या करना है। तो ये देखें ये सारा मैंने यहाँ से कंप्लीट कर लिया, यहाँ से मैंने स्टार्ट लिया था इसका। ठीक है, ये सारा इसी तरीके से करते हुए मैंने ये टोटल जो है वो यहाँ एक कॉर्नर आता था, यहाँ से फिर मैंने यहाँ से इसको करना था कंप्लीट सारा करके। तो यहाँ पर नेक्स्ट हमें क्या करना है, वन चेन लेनी है जो मैं ले चुकी हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ से हम स्टार्ट लेंगे। ठीक है, और यहाँ से इसका ये पहला स्टिच है। ठीक है, एक स्टिच लेंगे यहाँ से सिंगल क्रोशिए का, नेक्स्ट लेंगे सिंगल क्रोशिए का, और तीन स्टिच आ गए हमारे पास ये टोटल, इनके एक साथ हुक में से निकाल देंगे। नेक्स्ट लेंगे यहाँ पे मुझे स्टिचेस जो है डिक्रीज करनी है इस तरीके से, टू थ्री फोर और ये फाइव टाइम इस तरीके से। ठीक है, मैंने स्टिचेस यहाँ से डिक्रीज किए हैं,
फाइव हो गए, और यहाँ से सिक्स करूँगी मैं नेक्स्ट, ये सिक्स, और यहाँ पर आ जाएगा ये सेवन, ठीक है। फाइव स्टिचेस मैंने ये वाले जो थे टेन थे इनको डिक्रीज़ किया, फाइव में कन्वर्ट कर लिया, यहाँ से मैंने टू और किए। जब हम पूरा यहाँ से राउंड लेंगे तो यहाँ पे मुझे डिक्रीज़ करने हैं स्टिचेस फ्रंट पे आके, ठीक है, और अगेन यहाँ पे आके टू स्टिचेस जो हैं वो डिक्रीज़ करने हैं मुझे। तो चलें अब यहाँ को जो नेक्स्ट स्टिचेस हैं उनको इसी तरीके से यहाँ तक जो हम आएँगे वो सिंगल क्रोशिया के साथ आएंगे। यहाँ मैंने डिक्रीज़ कर ली जितने करने थे, अब मुझे सिंगल क्रोशिया लेना है। हर स्टिच में से सिंगल क्रोशिया लेंगे इस तरीके से, सिंगल क्रोशिया लेते हुए हम यहाँ तक आएंगे, ठीक है। तो फिर यहाँ आकर फ्रंट पे जो ये फ्रंट फुट आ रही है यहाँ पर हम डिक्रीज़ करेंगे, ठीक है। तो चलें इसको हम कंप्लीट करते हैं सिंगल क्रोशिया के साथ। देखिए मैं यहाँ पर आ गई हूँ, ठीक है, ये चीज़ जो है फ्रंट इसका जो है ये फ्रंट लुक जो आ रही है, ठीक है। इसके यहाँ पर जो है हमें स्टिचेस दोबारा डिक्रीज़ करने, ये मैंने कंप्लीट कर लिए इधर से, ये देखें। और ये चीज़ जो है नेक्स्ट हमारे यहाँ से हम लेंगे वन स्टिच डिक्रीज़ करेंगे, इस तरीके से वन हो गया, ये हमारा टू हो गए, और यहाँ पर हो गया थ्री। ये देखिए ये थ्री स्टिचेस जो हैं डिक्रीज हो गए मेरे, इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट स्टिच जो है वो हम इसी तरीके से लेंगे, जितने भी नेक्स्ट स्टिचेज हैं वो सिंगल क्रोशिया लेते हुए लास्ट में जो है टू स्टिचेज हम डिक्रीज़ करेंगे, ठीक है। बाकी सारे सिंगल क्रोशिया लेंगे इसी तरीके से पूरी रॉक ये जो है, ठीक है। यहाँ आकर दोबारा जो है लास्ट में हम डिक्रीज़ करेंगे, लास्ट हम टू स्टिचेज हैं ये डिक्रीज़ करेंगे इस तरीके से, ये वन और ये टू, ये डिक्रीज़ हो गया। और यहाँ पर जो हमने फर्स्ट चेन ली थी उसमें से स्लिप स्टिच लेते हुए ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा हमारा। और यहाँ पर हम जो है इसको वूल को भी कट करके, तो ये देखें इस तरीके से आ जाएगा ये सारा, ठीक है। अच्छा ये देखें ये मेरा कंप्लीट हो गया, यहाँ पे मैंने वूल जो थी उसको कट कर दिया। अब यहाँ से बैक में किसी भी जगह से, यहाँ से जहाँ से हमने स्टिचेस डिक्रीज किए थे वहाँ से किसी भी जगह से हम जो है ये बॉर्डर के लिए हमें चाहिए येलो वूल, ठीक है। तो उसके लिए हम पहले लेंगे मैजिक नॉट, और यहाँ से निकालने के बाद यहाँ एक चेन ले लेंगे, ठीक है। और यहाँ से वापस आएंगे हम, साथ साथ इस वूल को भी मुझे कवर करना है। बैक पे आएंगे हम फ्रंट पे, इस साइड पे पहले चाहते हैं, ठीक है, इस साइड पे नहीं, इस साइड पे आएंगे और सिंगल क्रोशिया लेंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये नेक्स्ट स्टिच में हम आएंगे तो यहाँ से हम लेंगे सिंगल क्रोशिया, ठीक है। इससे नेक्स्ट स्टिच पे जाएंगे तो हम लेंगे सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट स्टिच पे सिंगल क्रोशिया, और इधर नेक्स्ट स्टिच पर सिंगल क्रोशिया। इसी तरह सारे स्टिचेस में से बैक करते हुए सिंगल क्रोशिया लेंगे, और ये एजेस जो हैं हम इसके जो बॉर्डर है उसको कंप्लीट कर लेंगे। ये देखें इस तरीके से, ठीक है, इसको पूरे को कंप्लीट करेंगे यहाँ सारा राउंड लेकर यहाँ से इस तरीके से, और यहाँ आकर हम लेकर यहाँ पे स्लिप स्टिच, तो इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं इसको कंप्लीट करती हूँ, तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। ये देखें ये मैंने कंप्लीट कर लिया यहाँ पर, ठीक है, बॉर्डर मेरा। और यहाँ से हम लेंगे अब एक, पहले लेंगे इसी तरीके से एक सिंगल क्रोशिया, और नेक्स्ट जो है वो हम लेंगे यहाँ से स्लिप स्टिच, ठीक है। ये देखें यहाँ से निकालेंगे इसको इस तरीके से, और यहाँ एक चेन लेकर इसको कर लेंगे कंप्लीट,
और यहाँ से वूल कट करके वूल को हम इसके अंदर दोबारा जो है वो ऐड कर देंगे यहाँ पे। इस तरीके से इसको हम इसके अंदर ठीक है। और ये मेरा जो शूज़ तैयार हो गया, ये देखिए एक मैंने ये पहले कर लिया था और एक ये तैयार हो गया ठीक है। ये दोनों शूज़ तैयार हैं तो इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत इजी और बहुत खूबसूरत बनते हैं। कलर कॉम्बिनेशन मैंने पहले भी कहा था, आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं इसमें ठीक है। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए नेक्स्ट ट्यूटोरियल तक, इंशाल्लाह जल्द हाज़िर होंगी। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब लाइक और शेयर करें, बेल आइकॉन दबाएँ और साथ साथ कमेंट्स भी दें। तो मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।